दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो लास्ट टाइम हमने सेक्शन के ऊपर बात की थी, शॉपिफाई सेक्शन के ऊपर हमने स्टोर ऐड भी करके देखा पूरा सेटअप करके। आज हम बात करेंगे थीम सेटिंग्स की। थीम सेटिंग्स होती है थ्रू आउट द स्टोर की सेटिंग। एक बात याद रखिएगा, जो सेक्शन की सेटिंग है ये सिर्फ होम पेज के लिए होती है, इसके अलावा कोई पेज में नहीं हो सकती। इसके अलावा आप कस्टमली टेम्पलेट ऐड करके दूसरे पेजेस में सेटिंग्स ऐड कर सकते हैं, बाकी ये सेटिंग सिर्फ होम पेज के लिए होती है। तो जो थीम सेटिंग्स है ये थ्रू आउट दी साइट चलती हैं। तो चलते हैं हम थीम सेटिंग में। सबसे ऊपर कलर्स आ जाते हैं, जनरल कलर्स, साइट का बैकग्राउंड कैसा होगा, अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा, इतना हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, लाइन कलर, बटन्स के लेबल कैसे होंगे, ये बटन के लेबल्स, जिन बटन के कस्टम लेबल्स सेक्शन में हैं उनके चेंज नहीं होंगे, बाकी बाकियों के चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका चेंज हो गया, अगर मैं यहाँ से रेड करता हूँ तो ये रेड हो गया। इतना बटन के बैकग्राउंड कलर्स, लिंक एसेंट्स, जिस तरह से ये आ गया, उनके सेल टैग, लिंक एसेंट्स, प्रोडक्ट बैकग्राउंड, फॉर्म फील्ड, न्यूज़लेटर बैकग्राउंड आ गया। इस तरह ड्रावर्स के बैकग्राउंड आ गए। ड्रावर होता है पॉपअप मेन्यू कॉल के तरह से आप कह सकते हैं, जिस तरह हम अगर मोबाइल पे जाते हैं तो ये एक ड्रावर है, तो इसकी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ठीक है, टेक्स कलर थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो सर्च बटन, बटन का मैं कलर थोड़ा सा लाइक रेड में ले जाते हैं, तो ये सेटिंग होगी कलर की, ठीक है। देन इसके बाद टाइपोग्राफी आती है। टाइपोग्राफी आती है आपकी फ़ॉन्ट्स, आपके फ़ॉन्ट किस तरह के होंगे, फ़ॉन्ट के लिखने का तरीका, फ़ॉन्ट की साइजिंग। फॉर एग्जांपल जो रेगुलर फ़ॉन्ट है वो ये चल रहा है, ओल्ड स्टैंडर्ड ईडी, हम इसको चेंज करते हैं। ये फॉर्म की पूरी लाइब्रेरी आती है शॉपिफाई की, जिनके थ्रू आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए ये एको सेलेक्ट करता हूँ। ये बैनर, ये सारा एको में चेंज हो गया। इसी तरह जो ये मॉन्स्ट्रेंट है इसके लिए हम ये चूज कर लेते हैं। अच्छा क्यों नहीं लग रहा मुझे इतना, तो कुछ प्यारा सा कर लेते हैं ये वाला। देन बॉडी टेक्स्ट आपका आ जाता है, बॉडी टेक्स्ट, ये सारा बॉडी टेक्स्ट है, तो उसको भी हम खूबसूरत से रख लेते हैं कोई कैबिन, कैबिन एक अच्छा फॉन्ट है, ठीक है। अगर आप ये बेस साइज है फॉन्ट का, जो भी आप रखना चाहते हैं, हेडिंग्स का बेस साइज है, हेडिंग्स को लाइट रखना है, मीडियम या बोल्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियम कर देता हूँ, ये मीडियम हो जाएगी हेडिंग्स। इसी तरह कैपिटलाइज टेक्स्ट करना है ये वाला, ये स्मॉल हो गया। स्पेस लेटर्स हैं, लेटर स्पेसिंग जिसे कहते हैं, साथ जुड़ गए। यूज एसेंट टेक्स्ट फॉर हेडिंग, मैं इसे कैपिटलाइज ही रहने दूंगा और इसे अनचेक कर दूंगा। तो ये टाइपोग्राफी की सेटिंग्स हो गई हैं। इसके बाद आ जाती है कार्ट पेज। कार्ट का उन्होंने बताया, मैं सेटिंग सेव कर लूँ, ये आपने कार्ट टाइप पेज रखना है या ड्रॉवर रखना है। अगर आप कार्ट पे क्लिक करते हैं तो फिलहाल तो ये पेज पे जाता है, तो पूरा कार्ट पेज लोड हो गया। लेकिन अगर हम इसे ड्रॉवर पे करते हैं कार्ट की जगह, और मैं सेव करता हूँ, फिर लोड होने दीजिएगा, कार्ट ड्रॉवर हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉवर, जैसे कि हमारा मेन्यू ओपन हुआ था मोबाइल का, वैसे भी कार्ट का ड्रॉवर भी ओपन हो गया। देन हमारा फेविकॉन आ जाता है। फेविकॉन ये इस आइकन को कहते हैं, ये इन आइकन्स को फेविकॉन कहा जाता है। मैं ऐसे कोई भी फेविकॉन सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन हमारे पास चेकआउट की सेटिंग आ जाती है। चेकआउट पेज की, चेकआउट का बैकग्राउंड इमेज हमने क्या रखना है, चेकआउट के लोगो इमेज क्या रखना है, पोजीशन, साइजिंग, मेन कंटेंट एरिया और सब कुछ सेटिंग आ जाती है। ये मैं जब हम चेकआउट की तरफ जाएंगे, अभी हम चेकआउट की तरफ गए नहीं हैं, जैसे ही हम चेकआउट की तरफ जाएंगे फिर मैं आपको ये सारी सेटिंग्स बता दूंगा।
उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी इशू आ रहा हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह।